कि पीयूष का बिहेवियर ठीक नहीं था। तो गाइस रिसेंटली मनोज दे का पॉडकास्ट शूट हुआ है रियल हिट के चैनल पर, जिसमें वो बात किए हैं सौरभ जोशी और उनके बीच हुई है कंट्रोवर्सी को लेकर, जो कि यूट्यूब पर काफी चर्चा में रही। तो गाइस मनोज दे जब सौरभ जोशी से मिलने पहुंचे थे, तब उनके बीच पीयूष जोशी को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी, तो इसी चीज को वो पूरी डिटेल में बताए कि किसकी गलती की वजह से वो कंट्रोवर्सी हुई थी और क्या अब उनके बीच बात होती है या नहीं, उसकी एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ आपको। सौरभ जोशी भाई से मैं मिला था 2019 में, वहाँ पर क्रिएटर कैंप, यूट्यूब क्रिएटर कैंप, तब उनके चैनल पर वो आर्ट वाला चैनल था, उनका ब्लॉग वाला चैनल था ही नहीं उस टाइम। मैं उनको नहीं पहचानता था, ठीक है, वो मुझे पहचानते थे। तो वो आकर के मेरे से फ़ोटो वगैरह लिए थे, मैं आपके वीडियोस देखता हूँ, तो वो फ़ोटो अभी भी उनके अकाउंट में है पड़ा हुआ, 2019 का फ़ोटो। उसी टाइम मैंने नंबर भी शेयर कर लिया, मैं सबको नंबर दे देता था, कोई प्रॉब्लम हो भाई पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर शेयर हो गया, फिर उस टाइम से मेरा फ्रेंडशिप था उनसे 2019 से, और अभी हुआ था कनेक्शन में थे, कनेक्शन में थे उस टाइम, बातचीत होता था। उसके बाद फिर जब वो बहुत ज़्यादा ये हो गया, लगभग मैं तो रिसेंटली मिला था 1.5 साल पहले, साल भर पहले मिला था, सुबह सुबह मैं गया था, वो सुबह ही बुला लिए थे 9 बजे कि मेरा काम है आप 9 बजे ही आ जाओ। तो उठ करके गया तो उस टाइम पीयूष आया था सो करके, थोड़ा नींद में ही था, आके वो बैठा तो पीयूष क्या होता कि जिसको वो पहले से जानता उससे वो खुल के बात करता, बाकी ऐसे नॉर्मली थोड़ा शांत स्वभाव का ही है, चुपचाप बैठे रहेगा, ठीक है। तो ऐसे एक मैंने ब्लॉग बनाकर डाला था, तो ब्लॉग में क्या हो ना कि बहुत सारा कमेंट आने लगा कि पीयूष का बिहेवियर ठीक नहीं था, आपको वो रिस्पेक्ट से बात नहीं किया, अच्छे से बात नहीं किया, ठीक है, अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सोचा इतना बैड कमेंट, वो वीडियो अभी भी मेरे चैनल पर है, अब बैड कमेंट से भरा हुआ, आप देख लेना 90% वैसा कमेंट होगा, क्योंकि पीयूष थोड़ा वैसा अब पता नहीं वैसा रिएक्ट कर दिया, बट वो तो बच्चा है उसको क्या ही समझ। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना करके एक्सप्लेन कर देते क्यों इतना हेट मिल रहा है उसको, कि एक वीडियो में बोल देते कि वो सो के उठा था नींद में था, अब बच्चा है उसको क्या ही मैच्योरिटी, आप लोग बोल रहे हैं कि घमंडी है, ऐसा कमेंट आ रहा था। मैंने भी थंबनेल में लिख दिया कि घमंडी पीयूष ? ताकि लोग ऐसा कमेंट आ रहा था कमेंट पे हो, तो मैंने सोचा यही थंबनेल में, टाइटल में नहीं था, थंबनेल में था, वही थंबनेल लेकर के सौरभ जोशी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। बताइए वीडियो डालने में 1 घंटा भी नहीं हुआ। अच्छा। मैंने सोचा वीडियो देखा ही नहीं है ना, क्या पता नहीं, ठीक है, उसको प्राइवेट कर दिया, जो कुछ मैंने बनाया था मैंने सोचा हटाओ उनको, नहीं उनको समझ में आ रहा, अभी भी उनको मैंने मैसेज नहीं भी तो इतना लंबा मैसेज किया हुआ होगा इंस्टाग्राम पे, सीन वगैरह नहीं किए हैं, हाँ अनब्लॉक कर दिए हैं खुद से साल भर पहले, फॉलो वगैरह पहले थे फॉलोइंग में, अभी नहीं है। तो अभी भी कमेंट्स वगैरह वीडियो में आते ही हैं 2-4 ऐसा कि सौरभ जोशी साहब फिर आप कब मिलोगे, सौरभ जोशी साहब का बातचीत होता है या नहीं। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि बात हो जाए, लेकिन नहीं करते हैं बात, अलग है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो मतलब बेसिकली आपका कोई इंटेंशन वैसा नहीं था। हाँ, आपकी बात यहाँ पे क्लियर हो गई, क्लियर हो गई, लेकिन अभी तक वो वीडियो प्राइवेट में मेरा है, ये जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है भाई। और तो भाई अगर सौरभ भाई अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो भाई के मन में ऐसा कुछ नहीं है यार, और थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो क्लियर हो सकती है बिल्कुल। और क्लियर करो भाई।